अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रिश्ता नीड ड्राइवर तोता, हमें अपने तोते के लिए एक अदद तोती की ज़रूरत थी। और मेरा एक दोस्त है जिसके पास एक तोती पड़ी हुई है, पता नहीं कन्फर्म नहीं है वो तोता या तोती, बट पड़ी हुई है। उसने बोला कि आप अपने तोते के साथ हमारी तोती का रिश्ता करवा लो, मतलब उसको उसके साथ छोड़ दो। तोती जो है ना वो हमारे पास आ चुकी है। आप देखना ये कि हमारा तोता जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं, जिसको जाके छोड़ेंगे। काटती है यार ही तो, ओ यार ये तो काट रही है। करोगे तो काटोगे। ये देखें गाइस कितनी खतरनाक किस्म का तोता है यार, तो मुझे काट रहा है, मुझे डर लग रहा है इससे। ओ बहन यार, तोते के साथ जाके छोड़ते हैं। और कंफर्म नहीं है यार इसका क्या सीन है, तोता है या तोती है? आप सही कंफर्म नहीं पता, तोता है ये तोती है। हम जो है ना अभी ट्राई करके देखते हैं, और मुझे इससे बहुत डर लग रहा है यार, इसने बड़ी गंदी नोक मारी है मुझे। पोली पोली नाम है इसका यार, है तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मसला ये कि काट रहा है। ठीक है, काट रहा है या काट रही है इसका मुझे नहीं पता। इधर आओ, अभी अब इसको कैसे मैं हाथ में बिठाऊं? तो दोस्तों बहुत ही प्यारी तोती है, लेकिन मसला ये कि मुझे काट रही है यार। इधर आओ, वो देखें भाग दिया मुझसे। इधर आओ मिट्टू, इधर आओ मिट्टू, पोली इधर आओ, आ जाओ पोली मेरे पास। यार पोली देखिए कैसे भाग रही है मुझसे यार, मैं इस साइड से जाता हूँ उधर चली जाती है। इधर आओ पोली, पोली कुछ नहीं बोलता मैं आपको यार, इसने बहुत तंग किया हुआ है, देखें बार बार उड़ के नीचे चली जाती है। अब इसको जल्दी से जो है ना अपने तोते के साथ जाके छोड़ते हैं। भाई मुझे दो, मैं इसको जाके छोड़ता हूँ तोते के साथ। वही यार पिंजरा तले गया, तोते को नीचे ले आओ। तो गाइस इसने बहुत अच्छा आइडिया है, बोलता है कि तोते को नीचे ले आओ, इसको छोड़ते हैं साथ में, तोते को फिर ऊपर ले जाएंगे पूरे केज के साथ ही। तो ये हमारा तोता, अब इसको नीचे लेके जाते हैं। चलें यार, तोते को लाके मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी अभी पोली को जो है ना पोले के साथ छोड़ते हैं। चलो यार अभी चेक करते हैं यार इनका क्या सीन होगा, मतलब ये लग पाएगा या नहीं। बहुत ये देखें एक दूसरे के पास जा रहे हैं, पहचान है एक दूसरे को, भाई ये मेरी नस्ल का बंदा है कोई। ओए पकड़ो यार उसको, कहाँ जा रही है? इसको ना इसके साथ छोड़ते हैं अभी, ठीक है, और चेक करते हैं इनका रिएक्शन। हाँ पिंजरा में खोल रहा हूँ, पास लाओ तुम, पास लाओ उसको, इनका रिएक्शन चेक करते हैं क्या रिएक्शन होगा भाई, पेयर लग पाएगा या नहीं। यहाँ से डालो, चलो चलो चलो। तो गाइस तोती पोली जो है ना पोले के साथ चली गई है, इसका नाम अभी तक हमने कोई रखा नहीं है, आप लोग ही बता देना इसका नाम क्या रखें। यहाँ पे हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा पेयर जो है ना साथ बन चुका है, और अभी देखना ये है कि ये इनको एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, मतलब पेयर लगा पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम दूर होके देखते हैं, फिर इनका रिएक्शन देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इनकी जो तोती है ना वो हैंड टैम है, ठीक है, वो हाथ पे हिली हुई है, और हमारा जो तोता है वो हैंड टैम नहीं है, वो थोड़ा जंगली टाइप है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता नहीं, अब नहीं पता कि इनका पेयर लग पाएगा या नहीं, लेकिन खैर हम छोड़ के देख लेंगे, और इनका पेयर लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो हम इसके लिए कोई और फीमेल अच्छी सी ले आएंगे। ठीक है, कहीं और से ले आएंगे कोई इसी जो है ना इसी तरह की जो होगी। तो गाइज अभी हम थोड़ा दूर हो चुके हैं, और देखने के लिए कि क्या रिएक्शन ये देंगे। ठीक है, और इनको ना एक दिन हम कपड़े के नीचे बंद भी रखेंगे, उससे जो है ना थोड़ा अच्छा इनका पेयर लग पाएगा। भाई क्या हो गया यार, तुम लोग क्यों रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं? देखे मज़े से ऊपर आके सुस्तों की तरह बैठ चुके हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, उसकी दुम पे काटने की कोशिश कर रही है, शर्म करो, कोई हया नहीं है तुम। जो तोती है ना इसको, इसके ऊपर एग्रेसिव हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अभी देखना ये देखें लड़ रही है इसके साथ। भाई साहब यार ये कर क्या रही है, देखो अभी नीचे आएगा उसको मारने की कोशिश करती है यार। मुझे लग रहा है कि इनका पैर जो है ना वो नहीं लग पाएगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं। गाइस अभी पुत्रों को सबको बाहर निकाला है, और दाना शाना इनको डाल दिया है। ठीक है, अंदर अभी जाके बेबीज को चेक करते हैं, इसको ऊपर वाली जगह पसंद नहीं आई ना इसलिए नीचे आ जाता है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस अभी डब जो है ना वो दोबारा से अंडे देने वाली हैं, और इन पीछे हम फिर से कबूतरों के अंडे ला के रखेंगे जिस तरह पहले हमने रखे थे, और ये कबूतर का बच्चा निकला था, तो इस दफ़ा दोबारा से हम करेंगे। और इनके जो अपने अंडे होते हैं ना वो अनफर्टाइल होते हैं, इस वजह से उनका फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पर देखिए मुन्नू जो है ना ये बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है, और अच्छे से ये हेल्दी है और बड़ा होता जा रहा है। गाइस यहाँ पर दो बच्चे निकले थे, अभी देखते हैं
माशाल्लाह दोनों बच्चे जो है ना बिल्कुल ठीक हैं और हेल्दी हैं। ये देखें माशाल्लाह तो यार इसको अच्छे से फीडिंग करवाई हुई इसकी फीमेल ने और ये जो है ना माशाल्लाह जल्दी से ये ग्रो कर रहा है। बहुत जल्दी जो है ना इसके पर वगैरह आ जाएंगे और ये बाहर निकल आएगा, फिर इसको उड़ाया करेंगे। दूसरे बच्चे को चेक करते हैं भाई वो कैसा है। और दूसरा बच्चा जो है ना वो ब्लैक ही सा है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक सा है। इसकी मुंह जो है ना वो ब्लैक है और दूसरे वाले का वाइट है, लेकिन इसका ब्लैक कलर निकल रहा है। चलो भाई ऊपर जाओ, यहाँ रहो आराम से और जल्दी से बड़े हो जाओ। अभी टॉमी को डाली है पालक, छोटे छोटे भी खाने के लिए। यहाँ पे बच्चों वाली मुर्गी को भी डाल दिए। तो दोस्तों जो तोती है ना उसको तोते के साथ छोड़ दिया और पता नहीं अब उनका पेयर लग पाता है या नहीं। अगर पेयर लग जाता है ना तो हम उसको छोड़े रखेंगे, अगर नहीं लगता तो हम उसकी जगह दूसरी तोती लेके आ जाएंगे। इनको भी जो है ना पालक छलक डाली है, ठीक है। और मुर्गियाँ यार हमारी अंडे नहीं दे रही, मतलब जैसे घूम रही अंडे वंडे कोई नहीं दे रही। और डक्स इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे देने लग जाएंगी। हमारी हीर पहले चल भी नहीं सकती थी, अभी माशाल्लाह इतनी बेहतर हो गई है, देखिए बिल्कुल ठीक ठाक होगी और चलने लग गई है। यहाँ पे चेक करते हैं कोई अंडा शंडा है या नहीं। नहीं है भाई। दोस्तों हमारी हीर बहुत बेहतर होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही अंडे देने भी लग जाएगी। और जो तोती की अपडेट है ना इंशाल्लाह मैं आपको कल दूंगा कि उसका पेड़ लगा है या नहीं और उसका क्या करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नौ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।